कहता है कि हम लोग आपको देखकर हैरान होते हैं, हम लोग आपको देखकर सर हैरान होते हैं, आप कब जागते हैं, आप कब सोते हैं, आप कब जागते हैं, आप कब सोते हैं, आपकी मेहनतों का हम लोग दम भरते हैं, आप अकेले इतना काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। बस एक ही बात सर का कहना है कि सुन लो आलोक पांडे सर की तरफ से। शकील कहता है यही कि मोहब्बत करोगे हैरान रहोगे, इश्क करोगे देवदास रहोगे, माय लाइफस्टाइल से दोस्ती करो बिंदास रहोगे। नमस्कार ईस्ट इंडिया। ये पीछे वाले किधर से आए भाई? मेरे को पीछे वालों की आवाज सुननी है। देखिए आज बांग्लादेश से जो फ्यूचर में हमारा जिनके साथ काम चलने वाला है वो लोग आए, आज उनको इंडिया में कलकत्ता में माय लाइफस्टाइल का पावर दिखाना है आज आपको। मजा नहीं आया भाई, थोड़ा और जोर लगेगा। दोस्तों जो लोग मेरे को नहीं जानते, छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और आज कोई स्पीच भी नहीं देने वाला, सिर्फ मैं धन्यवाद करने के लिए इधर माइक पकड़ा हूँ। नाम आलोक पांडे, एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जो वेस्ट जोन का माई लाइफ स्टाइल का ऑफिस है बॉम्बे में, उधर बैठता हूँ। आज ये जो मैनेजमेंट है इनके साथ मेरे को आज 16 साल प्लस हो गए। डे वन से डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने एंट्री की ये मैनेजमेंट के साथ में था और जब तक हाथ पैर चलेंगे यही मैनेजमेंट के साथ में आपको मिलूंगा। और आज अगर मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ और आज लाइफ में मैंने आज की डेट में जो भी अचीव किया उसका एक ही आदमी को श्रेय जाता है, हमारे मेंटल गॉडफादर प्रवीण चंदन सर, जिनको मैं दिल से वंदन करता हूँ, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली जिसमें से एक मैं भी हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारे इंडिया के फर्स्ट रॉयल डायमंड राजेश यादव सर का। आज आप लोग रियली वेरी लकी है कि राजेश यादव साहब आज कलकत्ता में आप लोगों के सामने हैं। मैं जितने लोग सीरियसली माय लाइफस्टाइल में कैरियर बनाना चाहते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, उनका एक एक वर्ड और उनको लास्ट तक सुन के ही ये ग्राउंड छोड़ के जाना है। उसके बाद आज चार चार डायमंड है जिसमें आज ईस्ट इंडिया के लेटेस्ट, जैसे रूपम जी ने बोला, हॉटेस्ट डायमंड, ग्रेट लीडर, सिस्टमैटिक जिसको बोलते हैं काम करके, हमारे सुरंजन दास जी जो लेटेस्ट डायमंड बने। और उसके बाद इनको मैं बोलता हूँ छुपे रुस्तम है ये, और रूपम जी ने बिल्कुल बताया, बाकी लोग डेट अनाउंस करते हैं कि मैं 2 महीने के बाद ये वो बनूंगा, 2 महीने के बाद ये बनूंगा, और ये डायमंड बन गए। उसके बाद इन्होंने बताया सर मैं डायमंड बन गया, ऐसे हमारे अमित रॉय सर। और इसके बाद हमारे अश्विनी शर्मा जी आए हुए हैं पंजाब से, तो पंजाब से आए हुए हमारे डायमंड का कैसे स्वागत करना चाहिए। और माई लाइफस्टाइल में नहीं डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हमारे चंचल रस्तोगी जी भी आज आप लोग बहुत लक्की होगी इधर आए हुए, एक बार चंचल रस्तोगी सर के लिए। आज आईटीसी बहुत है, अगर एक का नाम लूंगा और किसी का रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे आईटीसी को मैं दिल से वंदन करता हूँ, सारे सीटीसी, सारे एनटीसी, थाईलैंड अचीवर्स, एसटीसी, आरटीसी और जितने माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। आज आप लोगों ने माई लाइफस्टाइल में ईस्ट इंडिया का पावर दिखा दिया। और हमारे दो जो आप लोगों के एरिया के रीजनल मैनेजर्स हैं, एक जी निरोशन, आप लोग मिले उनको, पूरे 7 सिस्टर्स को उन्होंने बांध के रखा हुआ है और आज वहाँ की जो प्रोग्रेस है पूरा श्रेय उनको जाता है। और ये प्रोग्राम पूरा कंसेप्चुलाइज करने के लिए हमारे गुना शेखरन जी जो 24 आवर्स आप लोगों के साथ में रहते हैं, इनको भी मैं दिल से वंदन करता हूँ। और साथ में आज आप लोग रियली वेरी लक्की हैं, आपको मतलब सुनील जी स्टेज के ऊपर दिखाई दिए,
क्योंकि सुनील जी स्टेज के ऊपर विदेश में ही कंपनी के प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, आज इंडिया में अगर दिखाई दे तो आप लोग रियली वेरी लकी हो। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुनील जी को अगर बार बार बुलाना है तो एक बार दिल से सुनील जी के लिए एक बार दिल से। हमारे वीरेश मेहता जी इधर आए हुए हैं, जो आपको आने वाले प्रोडक्ट जितने हैं सब लेके आने का जो भी प्लानिंग रहता है, कौन से इनोवेटिव प्रोडक्ट आने चाहिए, कहाँ से ये प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, पूरा जो संभालते हैं बैक में हमारे वीरेश मेहता जी, उनको भी दिल से वंदन है। और इसके बाद हमारे COO सर सलील मैथ्यू जी, जिनके लिए मैं यही बोलता हूँ कि 365 डेज अगर एक आदमी इनके साथ 365 डेज रहेगा और वो डेली एक नए टॉपिक पे अगर इनसे वो डिस्कस करना चाहता तो ये डेली 365 डेज अलग अलग टॉपिक पे बात कर सकते हैं। 26 इयर्स का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। ऐसे हमारे ग्रेट CEO सलील मैथ्यू जी को मैं दिल से वंदन करता हूँ। और मैं जहाँ पे जाता हूँ, जो नए लोग होते हैं उनके दिमाग में एक सवाल चलता है कि माय लाइफस्टाइल का फ्यूचर क्या, और यहाँ पे भी लोगों के दिमाग में सवाल रहा होगा। पर हमारे 21 साल के नेक्स्ट जनरेशन, जिनको हम प्रिंस ऑफ माय लाइफस्टाइल बोलते हैं और जो आने वाले दिनों में किंग ऑफ माय लाइफस्टाइल बनेंगे, 21 साल की उम्र में 30 साल की मैच्योरिटी रखने वाले और सीरियसली इस बिजनेस को वो एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसे हमारे निखिल जी को भी दिल से वंदन है। वो प्रैक्टिकली कोई प्रोग्राम जहाँ पे वो जा सकते हैं, एक दिन में दो दो प्रोग्राम तक अटेंड किए हैं, और 21 ईयर्स की एज में इतना पैशन आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग रियली वेरी खुश नसीब है कि आने वाला जनरेशन हमारा ऐसा है कि आप तो आप इस बिजनेस में सेटल होंगे, आपके आने वाला जनरेशन भी इस बिजनेस के अंदर सेटल होगा, ऐसा हमारा माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म है। और आज हमारे इंटरनेशनल डिग्नेटरीज बांग्लादेश से आए जुनेद जी और सबरीना जी, इनको मैं दिल से वेलकम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा पर आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, आज अगर हम बांग्लादेश में एंट्री कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ ये दो शख्सियत का है, तो इनको भी मैं दिल से वेलकम करता हूँ। और एक बार जोरदार हमारे बांग्लादेश से आए डिग्नेटरीज के लिए एक बार दिल से ताली बजाइए, क्योंकि यहीं से आपका एडिशनल टर्नओवर आने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि निखिल जी ने बोल दिया, सुनील जी ने बोल दिया, गुना जी ने बोल दिया, निरोशन जी ने बोल दिया, वीरेश जी ने बोल दिया, अभी इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। जाते जाते आप लोगों को इतना ही बोलूँगा, अब से ठीक एक हफ्ता पहले हमारा बॉम्बे में एक प्रोग्राम हुआ था, 70,000 प्लस लोग उसके अंदर आए थे, लोगों को पता भी चला होगा। और बाकी के लोग जो थे वो बोलते हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम ने हिला दिया, कोई एक सिंगल पॉलिटिशियन एक दिन में इतनी गैदरिंग नहीं करता। और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं उस ग्राउंड पे था, कम से कम 5,000 से 7,000 लोग अंदर ग्राउंड के पहुँच भी नहीं पाए। ये माय लाइफस्टाइल का पावर। उस दिन मैं भी सरप्राइज था कि वाकई माय लाइफस्टाइल आज एक दूसरे लेवल पे चली गई है। और आज का ये प्रोग्राम, मैं आपको एक वादा करता हूँ, जो आज मेरे को दिखाई दे रहा है, एक साल के बाद इस संगमम कलकत्ता में होगा, इससे 4 गुना बड़े ग्राउंड के अंदर होगा, और यहाँ पे लाइन लगेगी अचीवर्स की। आप लोगों को सिर्फ वो एक साल तक इस बिजनेस में टिक के काम करना है, रैंक चेंज करके स्टेज पे आना है, यही मेरी दिल से दुआ है। आने वाला टाइम माय लाइफस्टाइल ने आज अंगड़ाई ली है, और जिस दिन ये बच्चा भागने लगेगा, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी जो इस बिजनेस में सीरियसली कैरियर बनाना चाहता है, लखपति करोड़पति बन के अपनी लाइफ सेटल करेगा, यही मेरे दिल से दुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। सुपर।